अमित शाह साहब जो फादर हैं जय शाह साहब के, उन्होंने बयान दिए हैं। ये तो उन्होंने जय शाह साहब के कहने पे दे दिया है बयान। एक टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। मुझे ना थोड़ा सा शक लग रहा है। मैं बड़ा एडवोकेट करता रहा हूँ, चैंपियंस ऑफ इंडिया आएगी, ये आएगी, वो आएगी, लेकिन मुझे ना आपको कोई, जिसे बोलते हैं ना कि अजीब सी सिचुएशन बन गई है, मैं खुद घबरा रहा हूँ। जिसे बोलते हैं ना तरेड़े उठ रही है पंजाबी में, कहते हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इंडिया के ऊपर बात आती है वो बात ही नहीं करते हैं। कि शायद कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना आई तो हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इवेंट हो सकता है या इवेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है। तो मोहसिन नकवी ने कल मीडिया के साथ मुलाकात भी की और उन्होंने वाजे अल्फाज में कहा कि इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इवेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि छोटा चेतन जो है ना, ही कुड प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, वेरी क्रूशल। वो बेटा है, बेटा पापा को राजी करे, पापा आगे गेम डाल देंगे, सिंपल इज दैट। क्योंकि पापा जो है छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, ये तो हमें भी पता है। जो जय शाह है वो आशीष की सरस संभालेंगे, वहां पर जो चेयरमैन आशीष संभालेंगे, तो शायद उनका जो वोट है या उनका जो पलड़ा है वो शायद भारी जाए। मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का पलड़ा इस वक्त भारी, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक इवेंट होस्ट करना है जबकि भारत ने 4 इवेंट होस्ट करने हैं। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये धमकी देता है, अगर ये तो 100% मैं श्योर हूं कि हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा। वर्ल्ड कप में तो चला गया था, लॉलीपॉप दे दी गई थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इस मैटर के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उस पर बात करें, कॉन्फिडेंट हो। आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मतलब हम आएंगे, मतलब डर जाते हैं इंडिया का नाम आके, आई डोंट नो क्यों। मे बी जय शाह कुछ ना कुछ अंदर खाते गेम डालें। अगर तो बीसीसीआई कहता है कि हम नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान को भी भारत के इवेंट का बायकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान भी वहां पर आकर नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि अमित शाह साहब जो फादर हैं जय शाह साहब के, उन्होंने बयान दिए हैं। अमित शाह के लिए एक सजेशन है, उन्हें चाहिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके साथ योगा किया करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो योगा के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हो सकता है उनकी जिसामत अमित शाह साहब की कम हो और उनकी सेहत के लिए अच्छा है। बाकी जयशंकर साहब, अमित शाह साहब जो भी बयान दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ जय शाह अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं रहे, अब वो बन गए आईसीसी के हेड। तो ये बैक डिप्लोमेसी वहां से शुरू हुई है कि प्रेशर डाला जाए, और प्रेशर जय शाह साहब डलवा रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो जिस सीट पर बैठ गए वो सीट ऐसी है कि उन्हें बड़ा संभल के हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि जो एक्स चेयरमैन थे ना आईसीसी के, स्मार्ट मूव करिए अपने आप को साइडलाइन करके जय शाह साहब को बनवा के, क्योंकि वो होते तो माइट भी जय शाह साहब के प्रेशर में आ जाते। अब क्या होगा, अब तो जय शाह साहब बन गए ना, वो क्या बोलेंगे, अभी तक तो वो कुछ नहीं बोल रहे और ना ही बोलेंगे। इसीलिए ये जो बयान आ रहे हैं ना अमित शाह साहब के या जय शंकर साहब के, ये बयान ही हैं। क्यों, या मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया वो ये काउंटर अटैक कर रहा है उन्होंने। सरकार जो फैसला करेगा वो होगा, नरेंद्र मोदी साहब जो बोलेंगे वो होगा, बाकी जय शंकर साहब या अमित शाह साहब जो भी बोलते रहे इस कान से सुने इस कान से निकाल दें। ये तो उन्होंने जय शाह साहब के कहने पे दे दिया है बयान, लेकिन लास्ट फैसला जो है वो नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो वाले पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं 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 नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो जवाब दिया ना इन दोनों को दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट ड्राइव, ये 8 टीमें आएंगी, 8 टीमें, एकदम हलचल मची है भाई। वो चेयरमैन पीसीबी हैं, वो वजारत के दाखिला के यहाँ पे उनके हाथ में है वजारत के दाखिला, तो वो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली है, तो परेशान क्यों होते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान जो बंदा है वो है, उसका नाम है जय शाह, कि क्या करूं, अगर बींग आईसीसी हेड मना करता हूं कि टीम पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल होगा तो उनका तो नाम खराब हो जाएगा। उनकी बचत इसी में कि वो अप्रोच करें अपनी गवर्नमेंट को कि नहीं भाई आईसीसी का इवेंट है, बाकी फिर ताली ऐसे नहीं बजा पाएगा कोई, ताली ऐसे बजेगी। एक टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। ये तो 100% मैं श्योर हूं कि हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा। वर्ल्ड कप में तो चला गया था, लॉलीपॉप दे दी गई थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मुझे ना थोड़ा सा शक लग रहा है, मैं बड़ा एडवोकेट करता रहा हूँ चैंपियंस ऑफ इंडिया आएगी, ये आएगी, वो आएगी, लेकिन मुझे ना आपको कोई,
जिसे बोलते हैं ना कि अजीब सी सिचुएशन बन गई है, मैं खुद घबरा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना त्रेड़े उठ रही है पंजाबी में कहते हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन हो रही है। क्योंकि इंडिया के ऊपर बात आती है वो बात ही नहीं करते हैं, बाकी सब टीमें आएंगी, इंडिया के ऊपर सवाल करें वो बात ही नहीं करते अगर कैमरा लगाओ। अब कल उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है कैमरे के बगैर दी है कि कल पुल आउट भी करना पड़े, कह देंगे मैंने तो ये कहा नहीं था, ये हो नहीं सकता। अभी ये बात सच है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आप अपनी होम सीरीज बाहर खेलना चाह रहे हैं, मतलब इधर आपके ग्राउंड पूरे नहीं हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं आप, इतने बड़े लंबे टाइम पीरियड के बाद आपको आईसीसी का बड़ा इवेंट मिला है और आपको अपनी मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप। बट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दोस्तों मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, आई डोंट नो कि इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी। उन्होंने बोला कि जयशाह का बने आईसीसी का जो हेड बन जाएंगे तो मतलब बन गए हैं वो, लेकिन हमें इससे कोई घबराहट नहीं, कोई मसला नहीं है, पाइन तो हो भी तो कोई फायदा नहीं का क्योंकि उन तो बनना ही था, आपको इससे क्या, आप थोड़ी कैंडिडेट हैं या उनका मुकाबला कर सकते हैं, वो तो कोई चक्कर नहीं है। जितना डिफेंसिव हम हुए हैं कि हम इंडिया के ऊपर बात ही नहीं करते, हालांकि हम तो होस्ट हैं ना, हम तड़के मतलब ठीक है, हमें बहुत ज्यादा भी जुबान इस पर नहीं चलानी चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप जुबान बंदी कर लें। बट पॉइंट इज कि आप तो बिल्कुल ही मतलब इंडिया का सवाल होता है आप कहते हैं इस पर बात ही ना कीजिए, और जब कैमरा नहीं लगा तो आप इस पर बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया की टीम जरूर आएगी, आई विश कि इंडिया की टीम आए, मगर इशारे कुछ बुरे ही मिल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इस मैटर के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उस पर बात करें, कॉन्फिडेंट हो, आएंगे भाई क्यों नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मतलब हम आएंगे, मतलब डर जाते हैं इंडिया का नाम आके, आई डोंट नो क्यों, मतलब जब बात होती है कि इंडिया की टीम आएगी, नहीं नहीं ये सवाल नहीं पूछना, इसके ऊपर बात नहीं करनी, सब आएंगे, बस ये गोलमोल कर देना। मगर अब चूंकि हम मेजबान हैं, चूंकि आपके ऊपर सवाल हो रहे हैं, चूंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई चक्कर ही नहीं है, और आप छुप रहे हैं बातों से, उन बातों से आप मतलब आंखें बंद करने का कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर हमें आंखें खोलनी पड़नी है और आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़नी है। ये फायदा नहीं होगा इससे कि हम छुपते फिर रहे हैं और हम कहेंगे नहीं नहीं इंडिया आ रहा है और सब टीमें आ रही है इसलिए इंडिया भी आ रहा है, ये नहीं है भाई, सब टीमें हमें पता आ रही है, पहले आ चुकी होंगी, बट पॉइंट इज कि इंडिया आ रहा है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हमारी तीन टीमें जो जो इंडिया के साथ खेलेंगी सब उधर जाके खेलेंगी, और खुदा ना खासा हमें भी ना जाके खेलना पड़ते दुबई में या श्रीलंका में। तो ये थोड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर थोड़ी बहादुरी दिखानी पड़ेगी हमें कि शायद कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई तो हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इवेंट हो सकता है या इवेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है। तो मोहसिन नकवी ने कल मीडिया के साथ मुलाकात भी की और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इवेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होगा या फिर हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। तो उन्होंने इनकार किया जो पाकिस्तान का स्टांस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आए कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो 1 मार्च का मैच है वो अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलने जाएगा, तो उसी के ऊपर आज भी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो मोहसिन नकवी ने जय शाह के साथ जो उनकी मुलाकातें, जो उनके रवाबित, जो उनकी गुफ्तगू थी वो भी पहली बार मीडिया के साथ शेयर की, कहा कि उनके साथ मुसलसल रबते में है और किसी को भी एतराज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इंडियन मीडिया के अंदर इंडियन जर्नलिस्ट क्या खबरें लगा रहे हैं, साफ जरिए उन्होंने अपने मुल्क की बात करनी है, उन्होंने एंटी पाकिस्तान बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह तैयार है और भरपूर किस्म की तैयारियां चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान रिएक्शन में। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, जयशाह के स्टेटमेंट को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, पाकिस्तान में जो मातम छा चुका है और दोस्तों पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, जैसा कि ये भाई आपने रिएक्शन में देखा। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो रिएक्शन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आप भारत से हैं तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।